गाइस देखिए गुड़ बन रहा है, हम पहुंचे हैं। कौन सी जगह है? महल की, महल की में देखिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो आज हम उत्तराखंड जा रहे हैं और उत्तराखंड के रास्ते में मुजफ्फरनगर के पास रोड के किनारे हमारे को एक जगह पर धुआं सा दिखाई दिया काफ़ी। तो हमने कहा यार ये क्या चीज़ है, पता लगा ये कोहलू है जिसमें गुड़ बन रहा है। हमने कहा चलो यार चलते हैं कोहलू में और देखते हैं कि गुड़ कैसे बनता है और कुछ खरीद भी लेंगे क्योंकि ताज़ा ताज़ा गुड़ बन रहा था। वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद देखा कि भाई ये तो बड़ा गजब हिसाब किताब है इनका। पूछा उनसे किस तरीके से बनता है, क्या है, क्या प्रोसीजर आपका, किस तरीके से देखा, और जो कुछ हमने देखा वो दिखाते अब आपको। चलो दिखाते आपको कि कैसे गुड़ बनता है। साहब ने देखिए ये पट्टे पे एक मोटर से चल रही है और ये यहाँ पर यहाँ घूम रहा है और ये भाई साहब इसमें देखो गन्ना डाल रहे हैं। गन्ने की जैसी मशीन है, जैसे गन्ना आपने रस पिया होगा वैसी मशीन है, ये चल रही है। और ये देखो ये सारे गन्ने रखे हुए और यहाँ से पानी निकल रहा है, देखिए नीचे की तरफ ना रस जो है ये नीचे की तरफ जा रहा है और भी यहाँ जाके नीचे जमा होता है। दिखाते भी आपको आगे से, ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ गिर रहा है इसमें और उसके बाद ये यहाँ से इधर और ये पाइप लगा हुआ नीचे, देखिए एक अभी ये देखिए इस पाइप से ये इसमें आ रहा है। यहाँ पर ये पाइप लगा हुआ ना, इस पाइप से यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से इसमें जमा होने के बाद ये इसमें जा रहा है थोड़ा प्योरीफाई होके और उसके बाद फिर ये अगले वाले इसमें जाएगा, ये देखिए इसमें जा रहा है और साफ होने के बाद फिर इसमें जा रहा है। यहाँ पर पीछे ये मैला मूला भी निकालते हैं उसमें से, ये देखिए इसमें इतना काला है तो ये मैला इसमें से गंद निकाल के देखिए इसमें निकाल रखे हैं। इधर फेंक रहे, ये देखिए ये घास है बेसिकली, इसको जलाया जाता है इसमें, ये देखो इसके अंदर डाल रहे हैं ना, ये देखिए भट्टी है नीचे, हाँ इसके अंदर देखिए भाई साहब इसमें डाल रहे हैं इसको, ये देखिए आग जल रही है उधर। हाँ जी 30 मण, अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर यहाँ से मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो सप्लाई होती है कि, अच्छा यहीं से आग लेके जाते हो? यहाँ डाल रहा है, ये देखिए जो बन गया उसको यहाँ डाल रहा है, फिर यहाँ जम जाएगा, जमने के बाद इसे कटिंग की जाएगी, कटिंग करने के बाद फिर ऐसा बनेगा, इसमें रखे जाएंगे सांचों के अंदर रखे जाएंगे इनको ऐसे, और उसके बाद जब बन जाता है तो फिर ये इस तरीके के ये ब्लॉक से बन जाते हैं। अच्छा मिस्त्री जी कैसे कैसे बनाते हो आप इसको? ओ मिस्त्री जी कैसे बनाते हो भाई साहब? हाँ अच्छा वेरी गुड, ये देखिए ये इसमें से डाल रहे हैं, स्पेशल गुड़ बनाता है। अच्छा ये देखिए जी, आपका नाम क्या है वैसे? रविपाल कश्यप। रविपाल कश्यप, कैसे बनाते हो इस गुड़ को? हाँ अच्छा तैयार होने वाला, यहाँ फाइनल हो गया। अच्छा यहाँ फाइनल निकालते फिर उसके बाद में इसका मिस्त्री का काम इधर। अच्छा मिस्त्री तैयार करके और इधर 5 किलो तोड़ के यहाँ बन जाएगा। अच्छा फिर इसमें इस ऐसे बनाओगे आप, इसी सांचों में डाल के? अच्छा अच्छा फ्रेम वाली फ्रेम होती है, हाँ उसमें सामान डालते हैं, हाँ और उसमें 5 किलो के हिसाब से उसमें डालते हैं, फिर उसके पीस काट देते हैं इतने बड़े बड़े पत्ते। अच्छा अच्छा वो उस हिसाब से बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सही बना रहे हो आप। हाँ इससे वह उसमें जाएगा, यहाँ से मैला निकाल रहे ना, हाँ ये थोड़ा साफ होगा तो इसमें जाएगा, इसके बाद वो उसमें जाएगा, वहाँ से निकलेगा बाहर, हाँ इससे निकलेगा। हाँ वो वहाँ डालते हैं ना जब ठीक हो जाता है, ये देखो धुआं ही धुआं हो रहा है कतई, बहुत ज़्यादा धुआं, ओ माय गॉड गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है देखिए। तो भाई सोचा कि गुड़ ले लें तो इस समय में हमने भी ले लिया है, 200 रुपये का 5 किलो प्योर। हाँ
अच्छा चलो ठीक है जी, ओके। कितने गन्ने रखे हुए यहाँ, ये देखो पूरे गन्ने गन्ने रखे हुए, और ये गन्ने के खेत इधर देखो कैसे बांध बांध के गन्ने रखे हुए, बहुत अच्छे गन्ने। वो देखिए वो बुग्गी आ रही है गन्ने की भर के वहां से, ये देखिए। हाँ अच्छा, मवाना की जो चीनी है तो पूरे वर्ल्ड में पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अच्छा, वो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर पे है मवाना, तो वहाँ का तो बहुत चीनी विदेशों में जाती है। अच्छा, बहुत हिंदुस्तान में जो चीनी है पूरे वर्ल्ड में जाती है, हमारी बहुत ज्यादा होता है हमारे हिंदुस्तान में। तो आपका गाँव भी आस पास ही है क्या? हमारा गाँव भी आसपास है, चलो ठीक है। सारे है गन्ने अच्छे लगा रखे, इस बार अच्छी फसल हो रखी है, अच्छी खेती हुई है गन्ने की। अच्छा, बहुत अच्छी खेती हुई है। हमारे यहाँ मुख्य खेती जो है गन्ने और आम के बाद, इससे हमारे इतना पर्याप्त हो जाता है कि हमारा गुजारा भी हो जाता है घर का, और इसके अतिरिक्त भी हम जो ना इससे पैसा अर्जित करते हैं, जिसमें ब्याह शादी परिवार का सहायता करते हैं। यही हमारा मेन जो है खेती है, इसी के माध्यम से ही हम अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। ये क्षेत्र के अंदर काफी गन्ना, आपको आप आगे भी कहीं जाएंगे तो आप नजदीक कई कोदू पाएंगे, लेकिन हमारा कोदू मैं जो गुड़ होगा उसकी सचिता आप जहाँ सकते हैं आए हो, आप देखो आप चक्कर में हम लोग सामने। हाँ ले खरीदा हमने, खरीदा आपने, तो आपने चखा भी होगा गर्म गर्म, तो इतना अच्छा लगता है कि जैसे आप खुदा खा रहे खुदा की तरह, अच्छा बहुत जबरदस्त लगता है। आपने खाया होगा बहुत अच्छा लगेगा, ये आपका हजम खून को साफ करता है और इसे स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखता है, शायद डाइजेशन बनाता है। गुड़ तो बहुत बड़ा बहुत अच्छी चीज है, अच्छा सबको खाना चाहिए गुड़, जो गुड़ खाने से खून भी बनता है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा चीज है, सर्दियों में तो बहुत खाना चाहिए। आप कभी आइए हमारे इस पौधे के ऊपर, अच्छा अच्छा, हम आप मूंगफली लाइए, अपने ड्राई फ्रूट लाइए, हम आपके सामने उनको डाल के आपके लिए फर्स्ट क्लास जो है वो आपकी मिठाई तैयार करके देंगे। ठीक ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट वीक में जब आएंगे तो आप साथ ले जाना, आपको बना के देंगे। धन्यवाद धन्यवाद।